नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस समय शिकागो से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुनीश जी, आपका मेरे शो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद ओंकार जी। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तो जग जाहिर है कि अमेरिका और चीन के बीच किस तरह का तनाव पसरा हुआ है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। ह्यूस्टन में जो चीन का कॉन्सुलेट था उसको अमेरिकी सरकार ने बंद करने के आदेश दिए थे, उसकी एक समय सीमा तय की थी, लेकिन समय सीमा तय होने बीत जाने के बावजूद वहाँ पर काम होता रहा। चीन की वहाँ भी हेकड़ी दिखाई दी। उसके बाद से जो अमेरिकी एजेंट हैं वो जबरन कॉन्सुलेट में घुसे और उन्होंने उनको चेतावनी दी और उसको खाली करने के पूरी तरीके से आदेश दिए। वहां पर चीन के जो कॉन्सुलेट में काम करते थे उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज जलाए भी थे। अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चीन इन कॉन्सुलेट के जरिए और कुछ और एजेंसीज के जरिए या व्यक्तियों के जरिए अमेरिका में जासूसी का अपना काम चला रहा है। चीन की एक दूसरे कॉन्सुलेट में एक अधिकारी चीनी सेना की वर्दी में गिरफ्तार भी हुई है। ये दो तीन ऐसी घटनाएं हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर के भी जिस तरीके से माइक पोम्पियो के बयान आए हैं और जिस तरह से तीन जंगी जहाज कैरियर उन्होंने प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में भेजे हैं और यूरोपियन कंट्री से निकाल करके अपने करीब 10,000 सैनिक भी उस तरफ रवाना किए हैं, उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच वार की सिचुएशन पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री, जानबूझ करके एक रणनीति के तौर पर, चूंकि 4 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव भी हैं, कोरोना वायरस को लेकर के ट्रंप प्रशासन घिरा हुआ है, 43 लाख से ज़्यादा लोग अब तक संक्रमित हुए हैं जिनमें से 21 लाख से ज़्यादा तो अभी भी एक्टिव केस हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर, लेकिन जो चीन की आक्रामकता है, जो चीन की दुष्टता है, जो पूरे विश्व में और आस पड़ोस के जितने देशों की सीमाएं उससे लगी हुई हैं उसके साथ दिखाई दे रही है, दक्षिण चीन सागर में दिखाई दे रही है, अमेरिका जैसे देश जो सर्वशक्तिमान माना जाता है वहां भी ये उसकी आक्रामकता देखने को मिल रही है। तो मुनीश जी, इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ओंकार जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना समसामयिक मुद्दा उठाया है, क्योंकि चीन भारत के लिए कितना प्रासंगिक है इस बात को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी भारत जैसी एक महाशक्ति है और जो आने वाले समय में और ज्यादा पावरफुल होने की संभावना है, क्योंकि इकोनॉमी और वर्ल्ड पावर के रूप में भारत को देखा जा रहा है। तो ऊपर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चिन, भारतीय नैरेटिव में अक्साई चिन पे तो बात ही नहीं होती। अब जब चाइना ने इन्फिल्ट्रेट किया तो समझ आया कि अक्साई चिन भी एक चीज है, नहीं तो अदरवाइज फोकस अपना मीडिया का सबका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे था। और उससे बड़ी बात, अक्साई चिन के बाद पूरे नॉर्थ, मतलब अपनी ऊपर हिमालय की चोटी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जो तिब्बत एक बीच में एक बहुत बड़ा बफर था, अपने बीच में चाइना और इंडिया के बीच एक बहुत शानदार बफर था, उसकी अपनी कल्चर है, उसको भी चाइना ने कब्जा लिया। तो उसके बाद, क्योंकि चाइना को हमने अपने दरवाजे पर आने दिया, तो कभी वो सिक्किम की बातें करने लग जाता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी डोकलाम, सॉरी मैं यूएसए से भटक कर पहले इंडिया पे आ गया। लेकिन आप जी ये देखिए कि चाइना ने 1962 के बाद, मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ चाइना ने जो ये सब किया, भारत जाग गया, भारत को उसने जगा दिया कि हम कैसे हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जी यूएसए से लेके बाकी देश इस भुलेखे में रहे कि चाइना को आप एंगेज करते रहिए, चाइना सुधर जाएगा। लेकिन चाइना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, उसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अपने यहां होने दिया,
लेकिन वो डेमोक्रेसी कहां पे है? यूएसए में जो सब हुआ इसको सिर्फ इलेक्शन ईयर के दृष्टि से सिर्फ नहीं देखा जा सकता। वैसे जॉन बोल्टन की पुस्तक पे आप निगाह डालें जो पिछले महीने रिलीज, जो कि उनके फॉर्मर नेशनल एडवाइजर थे, सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप के, उन्होंने तो खैर कुछ अलग बातें लिखी हैं। उन्होंने तो कहा कि चाइना के प्रति ट्रंप एक हॉक के रूप में है ही नहीं जो इमेज प्रस्तुत की जा रही है, ये तो चाइना के साथ अपनी ट्रेड डील करके, अच्छी ट्रेड डील करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन आप माइक पोम्पियो विदेश मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भाषा पर जाएं, या पिछले कुछ महीनों से जो उनके बयान आ रहे हैं, तो उससे बड़ा स्पष्ट है कि चाइना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है जी। इसमें कोई शक नहीं है, जो इंडिया, जो यूएसए ने रिटेलिएट किया ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट बंद करके चाइना की कॉन्सुलेट, और चाइना ने भी इमीडिएटली उसको रिटेलिएट किया, एक यूएस कॉन्सुलेट बंद कर दिया एक जगह पे चाइना में। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की बड़ी आवश्यकता है कि यूएसए जितना प्रो एक्टिवली चाइना को सुधारने की कोशिश करेगा, ये भारत के हित में भी जाता है। और वैसे भी लड़ाई का, जैसा आपने अंदेशा दिया, लड़ाई यूएस चाइना में भी हो सकती है, इंडिया चाइना में भी लड़ाई हो सकती है, देखा जाए, इस बात से कोई इनकार नहीं है। जैसे भी हो, लेकिन इन दोनों देशों को इकट्ठे लड़ना पड़ेगा चाइना के प्रति। अभी एक ये जब ह्यूस्टन में रैली हुई, उसके बाद अहमदाबाद में एक बड़ा आयोजन हुआ जी, जिसमें ट्रंप का पूरा परिवार मौजूद था, उस समय तमाम तरह की बातें कही गई, कहा गया कि 100 करोड़ रुपया फूंक दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन अभी जब चीन के साथ भारत की तनातनी हुई, गलवान घाटी में अप्रिय स्थितियां पैदा हुई, हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, चीन के भी 50 से ज्यादा मरने की खबर है, उसके बाद जीडी बख्शी ने एक पोस्ट डाली और उन्होंने कहा कि जो लोग 100 करोड़ का रोना रो रहे थे, उनको अब इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब चीन के साथ भारत की तनातनी हुई है तो अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने भारत से, मोदी से दोस्ती निभाते हुए न केवल अपने 3 युद्धपोत विमान कैरियर प्रशांत महासागर में और आपके वियतनाम की तरफ भेज दिए हैं, बल्कि अपने 71 जंगी जहाज भी इस इलाके में तैनात कर दिए हैं। तो भारत और चीन के बीच जो ये सामरिक, रणनीतिक और दूसरे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन पर ये साझेदारी दिखाई दे रही है, जो भरोसे के रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से भी चीन को बैकफुट पर जाने के लिए बाध्य हो गया है वो। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि चाइना के खिलाफ यूएसए और इंडिया के को साझा आना दोनों के हित में है जी। माइक पोम्पियो की भाषा बड़ी स्पष्ट है, उन्होंने कहा है कि इंड्यूस चेंज। उन्होंने कहा कि पिछले काफी दशकों से चाइना ने अपने डिजाइन को छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस करता गया इकोनॉमिकली, पैसा बहुत है, पावरफुल बन गया, लेकिन जो उसका कम्युनिस्ट रिजीम है, और चाइना का, चाइना पूरे वर्ल्ड में अगर आज भी पिछले 6 दशकों को देखिए, अगर किसी ने कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई ओपन में लड़ी है तो वह यूएसए है। तो वही हालात यहां पर हुए हैं, चाइना के प्रति यूएसए एंड काफी लोगों ने, काफी देशों ने यही सोचा कि ठीक है, इसके साथ आप एंगेज करते रहिए, ये पंगे नहीं लेगा। लेकिन देख लीजिए ना भारत में भी क्या किया, भारत इतना बड़ा ट्रेड देता है चाइना को, और उसके बाद भी इन्होंने हमें मोलेस्ट करने की कोशिश की, ये क्या शुक्र। चाइना ने यूएसए में एकेडमिक्स में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सरकारी बयान है। माइक पोम्पियो ने कहा कि कॉलेजेस को छोड़िए, यूनिवर्सिटीज को छोड़िए, K-12 यानी कि स्कूल, प्री स्कूल लेवल पर भी चाइना ने स्कूलों को, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे कोई भी टाउन या कोई सिटी चाइना से सीधी बात कर सकता है। तो उन्होंने आगाह किया कि आप अनइंटेंशनली इनके धोखे में मत आ जाइएगा जी। यूसी डेविस या यूसी सैन फ्रांसिस्को में
चाइना ने, ऐसे आरोप है कि चाइना ने स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को फंड किया कि वो दलाई लामा के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चाइना के प्रति यूएसए अपनी अपनी बात बड़ी स्पष्ट रख रहा है। और इंड्यूस चेंज की जो इसने एक माइक पोम्पियो ने एक जो दी है आवाज दी है वो बड़ी सार्थक आवाज है। मुझे लगता है कि भारत और यूएसए को मिलके साथ में इस मुद्दे पे और ज्यादा मुखर होना चाहिए, भारत को होना चाहिए। भारत ने पिछले 15 सालों में, वाजपेयी जी ने तिब्बत को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया चाइना का हिस्सा, 2002 या 2003 की बात, जब वो चाइना की विजिट पे गए थे, उसको अंडू किया जाना चाहिए, उसका रिवर्स करे इंडिया। तिब्बत के मामले में दलाई लामा के साथ मोदी सरकार ने ऑफिशियल, ऐसा जो हमने मीडिया में पढ़ा, कि ऑफिशियल ताल्लुकात बंद कर दिए ताकि चाइना को अपसेट मत किया जाए। मुझे लगता है कि इन दोनों पे इंडिया को मुखर होना चाहिए और यूएसए होपफुली इसको आगे बढ़ाएगा और चाइना में बदलाव लाना ही पड़ेगा, नहीं तो चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। चीन एक बड़ा मुद्दा बन रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और जिस तरह के एक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह के आपने भी कहा कि माइक पोम्पियो के बयान आ रहे हैं, खुद राष्ट्रपति भी कई मौकों पर बहुत गहरी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आमतौर पर यूएस प्रेसिडेंट इस तरह के मुद्दों पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने से बचते हैं, कूटनीतिक और दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी, लेकिन ट्रंप ने एक लाइन ली है। क्या वजह मानते हैं कि अमेरिका में भी एक बड़ा वर्ग इस मन का हो गया है कि जो समस्याएं इस समय क्रिएट कर रहा है चीन, उसकी उसके आलोक में अब समय आ गया है कि चीन पर नकेल कसी जाए, और खास तौर से राष्ट्रपति के चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चाइना के प्रति सिर्फ यूएसए में ही नहीं, पूरी दुनिया में नजरिया बदला है। चाइना ने COVID-19, भले ही मेडिकल साइंस इस बात को न माने, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये क्रिएट हुआ कि ये चाइना की देन है, और चाइना ने दुनिया भर में एक प्रकार से बायोटेररिज्म वाली स्थिति पैदा कर दी। चाइना यूएसए में भी, यूएसए के लिए चाइना इज लाइक ए फैक्ट्री, सारा सामान वहीं से बन के आता है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े से। ट्रंप तो वैसे भी मेड इन अमेरिका के पक्षधर हैं और वो चाहते भी हैं, और उन्होंने कई जो वीजाज पे और जो इमिग्रेशन पे जो स्टैंड लिए हैं, कई चीजें ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने ली हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूएसए में ट्रंप की इस बात को, आवाज को ज्यादा बल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूएसए के लोग नहीं चाहते कि वो उनकी वजह से, चाइना की वजह से उनकी जॉब्स जाएं, या मेड इन यूएसए वाली हालात बन पाए, इसके लिए सभी पक्षधर हैं। और ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा मिला है ट्रंप को, मुझे लगता है कि ये उनको एक चुनावी मुद्दा भी मिल गया है और उसको पूरी भुनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इस बात की आवश्यकता भी है, इस बात की एक स्ट्रेटजी और रणनीति की भी आवश्यकता है कि चाइना को सुधारा जाए। पर कई दूसरे ऐसे मुद्दे रहे हैं, श्वेत अश्वेत का मामला भी बीच में काफ़ी गरमाया है, बहुत सारे स्टेट्स में हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, और एक वर्ग ये भी है अमेरिका में कहने वाला कि अगर कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा फैलाव हुआ है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं शुरुआती लापरवाही रही है ट्रंप प्रशासन की। हालांकि ये लोग भी कहने वाले बहुत हैं कि इस मोर्चे पर ट्रंप प्रशासन ने काम भी बेहतर किया है, ऐसा नहीं है कि काम बेहतर नहीं किया है। तो जो ये कहा जा रहा है कि चीन का मसला जानबूझ करके तूल दिया जा रहा है ताकि जो बाकी की समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। देखिए, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है यूएसए में, वो इस बात पे, जो आपने कहा बिल्कुल, इस बात को इसी ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। मेरा ये मानना है कि यहां पर कुल मिला के रिएक्शन मिक्स्ड है, काफी लोग इस बात से सहमत नहीं है
कि ट्रंप ने अच्छी कोशिश नहीं की कोविड 19 से लड़ने की, कोरोना वायरस। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन के, और ये वक्त ही बताएगा, समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला कि ट्रंप नाकाम रहे कोविड 19 को। लगभग पूरा यूएसए खुल चुका है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में डेफिनेटली रिसर्जेंस है कोविड 19 की, बट वो होना ही है। लेकिन मोर्टेलिटी कम हुई है, केसेस बढ़े हैं भले ही। मुझे लगता है कि ऐसी नहीं है, लेफ्ट लिबरल मीडिया यहां पर भी बहुत हावी है भारत की तरह, और ये क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ब्लैक लाइव्स मैटर को भी तो देखिए कितना स्ट्रेच किया गया। ये कहां तक जायज है कि ब्लैक लाइव्स मैटर की सपोर्ट के नाम पर वैंडलिज्म, लूटमार, तोड़फोड़, सिएटल का एक हिस्सा हफ्तों की हफ्तों तक उस पे उसको हथिया लिया गया, प्रशासन वहां पर बिल्कुल नाकामी की तरह बैठा। अभी तीन दिन पहले ट्रंप ने घोषणा की कि शिकागो और पोर्टलैंड जैसे सिटीज में वो फेडरल सैनिक भेजेंगे, फेडरल पुलिस भेजेंगे, सहायता भेजेंगे, ताकि वहां की पुलिस के साथ वो मिलकर कोलाबरेट करके क्राइम को कम कर सके। यानी स्टेट काम नहीं कर रहे ठीक से। हाँ, क्योंकि फेडरल लेवल पर देखिए, एक्चुअली स्टेट भी छोड़िए, फेडरल लेवल पर यहाँ पे सिटी लेवल पर डिसीजन होते हैं। अब जो सिटी ऑफ शिकागो है, यहाँ की मेयर है, वो डिसाइड करेंगी कि यहाँ की पुलिस बल को किस ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इवन गवर्नर में अनलेस की टोटल अनार्की फैल जाए, वो बीच में इंपोज नहीं कर सकते। अब जो डेमोक्रेट रिपब्लिकन है, उन्होंने सेंचुरी सिटीज बनाई हुई है यहाँ पे। शिकागो इज वन ऑफ द सेंचुरी सिटीज जहां हम बैठे हैं। यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिस लाइटफुट ने, जो हम यहाँ की मेयर है, उन्होंने कभी भी वैंडलिज्म, तोड़फाड़ को उन शब्दों में उसकी क्रिटिसिज्म नहीं किया। ब्लैक लाइव्स मैटर की आड़ में वैंडलिज्म कैसे अलाउ किया जा सकता है, ये बताइए। यूएसए एक फेडरल स्टेट है, रिपब्लिक है, स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक है, तो यानी कि यहां पे कानून का आधिपत्य होना चाहिए। लेकिन यह पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जो डेमोक्रेट्स यहां पे काउंसलर, ये मेयर्स या गवर्नर्स है, वो एंटागोनाइज किए जा रहे हैं ट्रंप को। तो ये पॉलिटिक्स है, चलेगी इलेक्शन ईयर है। तो आपका क्या आकलन? जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बस यही था, मैंने कहा पब्लिक भी देख रही है इस सब चीजों को। आपका क्या आकलन है? वहां आप शिकागो में बैठे हैं, जाहिर है पूरे अमेरिका पे आपकी नजर रही होगी, तो डेमोक्रेट की क्या स्थिति है, रिपब्लिकन की क्या स्थिति है, और ट्रंप की वापसी में कहीं कोई बाधा? देखिए, इसमें ये है कि जो बाइडन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ये इसमें मेरा हो सकता है पर्सनल बायस भी हो, जो ये मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं, डेमोक्रेट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कैंडिडेट नहीं है। जो बाइडन की एज काफी है, अभी कुछ दिनों से अब ओपन में आने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा माहौल खुला है यहां पे, तो अब अपने कैंपेन पे निकले हैं, लेकिन थोड़ी आशंका है उनके उनकी कैंडिडेसी को लेकर कि कितना स्ट्रॉन्ग यू नो वो बन पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वो एक प्रकार से एक उनके बंधन में है। डिस्प्यूट एंड प्रोबेबली डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो उन पर हावी हो जाएंगे, तो ही मे नॉट कम आउट टू बी एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। और जो साइलेंट मेजोरिटी, मुझे अभी भी लगता है जिस ढंग से एंटीफा के नाम पे ये लेफ्ट लिबरल्स ने और डेमोक्रेट्स ने स्ट्रेच किया, वायलेंस को कंडोन करने से हिचकिचाए, मुझे लगता है कि जो साइलेंट मेजोरिटी है, जो वाइट मिडिल क्लास वोटर है, जिसने पिछले बार ट्रंप को जिताया था, ट्रंप उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि 5 साल उनके पास, 4 साल उन्होंने जो किया वो सब दिखता है लोगों को, लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ कुछ डिसीजन, जैसे काफी जो मतलब बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे इमिग्रेंट कम्युनिटीज ने, उनमें भी अब थोड़ी निराशा है, क्योंकि कई जगह उन्होंने अपने अपना एक चिड़ा, अपनी घृणा दिखाई है इमिग्रेंट्स के प्रति, जैसे H1B को लेके अननेसेसरी, यू नो H1B पे क्लैंप करके बहुत बड़े जो एक प्रॉब्लम है इमिग्रेशन की, उसमें H1B तो छोटा सा मुद्दा है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे इमिग्रेंट लेबर, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, उनके पर टफ होने की बजाय उन पे बोलते रहे, लेकिन डिसीजन उन पे लिए जो
जो आप जैसे हमारे जैसे जो आते हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, लॉफुल वे में आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, तो ऐसा ही कहीं कि उन्होंने संदेश दिया कि उनको दबाने की कोशिश की। बट मुझे ओवरऑल लगता है कि फिर भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है ट्रंप, एंड मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ट्रंप अगर फिर से इलेक्ट हो जाए तो। मुनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुख्तलिफ मुद्दों पे हम लोगों की बातचीत हुई जी और आपने बहुत खुल करके उन सभी मुद्दों को समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। अगेन इतनी देर रात जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू।